वेल स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर राजीव के गुप्ता आई एम प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर ये वाली स्लाइड आपने देखी थी लास्ट टाइम पर इसमें आपने एक ग्रास ऑपर देखा था एक लीफ इंसेक्ट देखा था एक क्रिकेट देखा था एक लेडी बर्ड बीटिल एक मेफ्लाई और एक क्रिप्टिक कलरेशन वाला देखा था लाल रंग का थोड़े से एक्वेटिक इंसेक्ट और उनके के बारे में बात करते हैं क्योंकि पानी में मौजूद इंसेक्ट भी अपने आप में काफ़ी सारी इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं क्योंकि ये बहुत सारे बड़े जानवरों का भोजन होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर मछलियाँ हैं छोटे इंसेक्ट को बड़े इंसेक्ट भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपना जीवन यापन आगे करते हैं सबसे पहले हमें एक नौ कोरिडी दिखाई दे रही है ये एक हेट्रॉप्ट्रा बग है और इसके ठीक नीचे हमें दो नेपिटी दिखाई दे रही हैं नेपिटी के थोड़े से लारवा भी हैं दूसरे साथ में और ये नेपा अपने आप में प्रिहिंसाइल और शिकारी है सबसे बीच में जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये प्लेकॉप्ट्रा का नायड है नायड शब्द हम सिर्फ तीन जानवरों के तीन इंसेक्ट के लार्वा के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर एक एफीमेरेडा आगे पढ़ेंगे हम नंबर दो ओडोनेटा और नंबर तीन प्लेकॉप्ट्रा अपने राइट हैंड साइड ऊपर टॉप कॉर्नर पर ये फ्लाई नायड हैं दो नायड हैं इसमें ये पानी के नीचे बॉटम पर चल रहे हैं और इनकी एबडामनल गिल दिखाई दे रही हैं ऐसी एबडामनल गिल किसी भी दूसरे इंसेक्ट के नायड में नहीं दिखाई देती और ठीक नीचे आप जो देख रहे हैं वो एक और तरह का नव या इसे अपन कहते हैं हाइड्रोमेट्रिडी है हाइड्रोमेट्रा ये जानवर यहाँ पर मौजूद है इन सभी जानवरों के अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन ही इनके जीवन यापन होते हैं और पानी में रहने की अनुकूलनताएँ इनमें हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि पानी में रहने वाले इंसेक्ट भी वास्तव में ट्रेकियल रेस्पिरेशन ही करते हैं क्योंकि ये पानी में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं और अंदर सीधे ट्रेकियल डक्ट में उसको आगे प्रवाहित करते हैं या मूव करते हैं ये दूसरा फीचर है इंसेक्टा का जिसमें कि जानवर के रहन सहन के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले हमें जो, जो जोड़ी दिखाई दे रही है वो है डेम्सल फ्लाई ये कॉपुलेट कर रही है और इसके बाद में ये अंडे पानी में दे देगी जिसके कि नायड निकलेंगे और फिर ये एडल्ट बनेगी ये एक बहुत पावरफुल प्रिडेटर है और किसानों की मित्र भी है क्योंकि ये शिकार को पकड़ने के लिए खेतों के लगातार चक्कर लगाती रहती है और छोटे मोटे जो पेस्ट होती हैं उनको बड़ी सरलता से खाती रहती है दूसरे नंबर पर जो चित्र है वो आप ध्यान दें वो एक टर्मिटोरियम है यानी एक दीमक की बड़ी सी बाी है और इसकी हाइट यदि ध्यान से देखें तो कम से कम चौदह पंद्रह फिट है केंद्रीय अफ्रीका में या सेंट्रल अफ्रीका में आपको बहुत ऊंचे-ऊंचे टर्मिटोरियम दिखाई देंगे जो लगभग तीन तीन या चार चार हाथियों के बराबर ऊंचाई तक के हो जाते हैं पेड़ को पूरी तरह से खाकर खोखला करके और मिट्टी में बदल देना दीमक की खासियत है टर्माइट की खासियत है राइट हैंड कॉर्नर पर अपर साइड में देखें एक हनीबी का कोम है जो टुकड़े की तरह से है और ये हनी स्पीशीज़ हम आमतौर पर छोटी मधुमक्खी कहते हैं जो कि इसके अंदर आती जाती दिखाई देती है एक छोटा सा छेद दिख रहा है जिसके द्वार पर बहुत सारी मेलिपोनिनी या छोटी सी डॉवर बीज हमें दिखाई दे रही हैं तो ऊपर की तरफ हनी भी है डोरसाटा फ्लोरिया एपिस की प्रजातियां हैं और नीचे वाली एक डॉबर फ्ली है डॉबर फ्लाई है यानी डॉबर बी है इस तरह से हमें इनके घरों के बारे में जानकारी मिलती है इस वाली स्लाइड में आप कुछ और निवासों के बारे में इन कीड़ों के निवास स्थानों के बारे में जानकारी ले सकते हैं सबसे पहली स्लाइड वाश्प की है इसके नीचे देखें ध्यान से ये भी वाश्प की है तीसरे नंबर पर मध्य में मधुमक्खियों के छत्ते हैं बहुत सारे हैं और ऊपर देखें पीले रंग का या ऑरेंज कलर का वॉश है और सबसे नीचे चीटियों की बाबी है ध्यान दीजिए ये एक पेरेंटल केयर की उदाहरण के तौर पर हम इनका अध्ययन करते हैं यानी ये सभी अंडे इन अपने अपने घरों अपने अपने द्वारा बनाए हुए घरों में देते हैं जिसमें इनके लार्वा निकलते हैं प्यूपा बनते हैं और उसके बाद एडल्ट बन के ये उड़ जाते हैं यानी जो पितृ या मातृ संरक्षण वाली बात जब हम करते हैं तब इन कीड़ों में ये हाईएस्ट डिग्री पर दिखाई देती है और हम इस बात को जानते भी हैं कि मधुमक्खियाँ जो अपना छत्ता बनाती हैं वह लटकते हुए मेहरावों पुरानी इमारतों पेड़ों से वे सभी मधुमक्खियाँ अपने आप में अपने बच्चों की सुरक्षा में काफ़ी मेहनत और लगन से लगी रहती हैं और हम सभी जानते हैं फूलों से मकरंद को इकट्ठा करके उसको अपने कोम्ब यानी छत्ते में एकत्रित करना क्यों जिससे कि लार्वा उस पर अपना भोजन करके अपनी वृद्धि कर सके अपने शरीर को ग्रो कर सके इसलिए हम हम मधुमक्खी को सोशल लाइफ में सबसे ऊपर रखते हैं दूसरे नंबर पर चींटियाँ आती हैं जो राइट हैंड बॉटम पर हैं ये चीटियाँ कहीं भी अपना घर बना सकती हैं और चीटियाँ अपने घर बनाने के अनुसार ही प्रजाति निर्धारण करती हैं यानी कौन सी प्रजाति ज़मीन के नीचे है कौन सी प्रजाति तनों के अंदर है कौन सी प्रजाति मिट्टी में है या कौन सी प्रजाति लकड़ी के अंदर है इस तरह से चीटियाँ भी तरह तरह की होती हैं और इनकी प्रजातियों के नाम या प्रजातियों का विवरण उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है अंततः हम क्लास इंसेक्टा की हैबिट्स के बारे में संक्षेप में पुनः रिवीजन करते हैं बहुत सारी सोशल हैं सेमी सोशल हैं या अपनी लाइफ साइकिल किसी एकमात्र यानी नर और मादा सॉलिट्री कंडीशंस में व्यतीत करते हैं यानी अधिक से अधिक नर और मादा एक ही जोड़ी घर या नेस्ट बनाने में और अपने ब्रूड्स या शिशुओं की देखभाल में समय व्यतीत करते हैं अधिकतम भोजन को ग्रहण करने वाले जानवरों की तरह से हर्बीवोरस हैं बहुत सारे कारनी हैं बहुत सारे रक्त चूसने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में कीड़े हमारे सामने सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करते दिखाई देते हैं तरह तरह की मक्खियाँ होती हैं जो कि सड़े गले भोज्य पदार्थों पर सड़े गली पत्तियाँ तने और मरे सड़े जानवरों के अवशेषों पर भी भोजन ग्रहण करती हुई और अंडे देती हुई दिखाई देती हैं अधिकतर इंसेक्ट या बहुत सारे इंसेक्ट उनके एमेच्योर या इन्फेंट यानि लार्वा और प्यूपा वे खेतों के लिए या मनुष्य के लिए नुकसानदायक कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि वे हमारे सोर्सेज को हमारे रिसोर्सेज का मतलब ये है कि वे हमारे सामग्री जैसे भोजन है धागा है फाइबर और लकड़ी इत्यादि से भो को अपने भोजन की तरह या अपने रिसोर्सेज की तरह प्रयोग करते हैं इसलिए हम उन्हें मनुष्य मनुष्य हैं क्योंकि हमारा सामान कोई दूसरा नहीं ले सकता लिहाजा हम काफ़ी कीड़ों को इस प्रकरण में पेस्ट की परिभाषा से नवाजा करते हैं पेस्ट का मतलब ये है एनी लिविंग बींग दैट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड अवर बिलोंगिंग्स इसलिए हम इनको कीड़ों को बहुत सारे कीड़ों को पेस्ट की परिभाषा देते हैं जबकि दूसरे बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में बीमारियों के पैथोजन्स यानी कि बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, वायरस रिकेट्सिया और फंजाई इत्यादि का ट्रांसमिशन करते हैं इनको हम पैथोजन कहते हैं या फिर मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ अपने शरीर के ऊपर असंख्य प्रकार की फंजाई और दूसरी तरह के उन सब बीमारियों को पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणु इत्यादि को कैरी करती हैं जो कि मनुष्य और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं लिहाजा कीड़े हमें कई मामलों में नुकसान भी पहुंचाते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा भी पहुंचाते हैं ये हमारे सामने कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले कीड़े हैं जिनमें ज़्यादातर नुकसान वाले ही हैं सबसे पहले क्रेन फ्लाई है इसे हम डैडी लॉन्ग लेग कहते हैं टिफीलिडी ग्रुप का है डिप्ट्रा में आता है दूसरे नंबर पर लाउस फ्लाई है हिपोबोसिडी है कुत्तों के शरीर के ऊपर आपने इनको फुदकते हुए देखा हुआ तीसरे नंबर पर ऊपर हॉर्स बोट फ्लाई है गैस्ट्रोफिलिडी की है और ये घोड़ों की नाक वगैरह में ब्लॉकेट करती है और वहीं अंडे दे देती है इसके ठीक नीचे बी फ्लाई है ये बॉम्बे डी ग्रुप की फ्लाई है और ये वास्तव में बम्बल बी से रिजम्बल करती है फिर ऊपर देखें बिग हेडेड फ्लाई है इसके ठीक नीचे हॉर्स फ्लाई है टेबेनेडी फिर ऊपर देखें मौत फ्लाई है ये साइकोडिडी है और साइकोडीडी कई बीमारियों के लिए मशहूर हैं फिर इसके नीचे गोल मिजेज हैं ये पेड़ पौधों में गोल गोल गोल्स बना देते हैं और उसकी वृद्धि में अवरोध और बीमारियाँ पैदा करते हैं रॉबरफ्लाई हमारे लिए मित्र है क्योंकि ये शिकारी है और बहुत सारी असाइली इस बात के लिए विख्यात है कि वह दूसरे छोटे पेस्ट को सरलता से खा जाती है सबसे नीचे मॉस्किटो है राइट हैंड कॉर्नर क्यूली सीडी और मच्छर आप जानते हैं हम सभी का जन्मजात शत्रु है बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं ज़रा दिमाग से लगाइए और सोचिए मलेरिया चार तरह का मलेरिया इसके अलावा बहुत तरह के दूसरे पीला ज्वर काला ज्वर इन सभी मामलों में मच्छर जो हैं वो तरह तरह की बीमारियां फैलाने में माहिर होते हैं क्योंकि आप ध्यान दें कि हाथी पाँव वो भी क्यूलेक्स से होता है एनोफ्लीज से तरह तरह के सब आप जानते हैं मलेरिया हैं और भी दूसरी कई बीमारियां जो हम अलग अलग समय पर इनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर आकर हम कीड़ों के बारे में साधारणतया जो जानकारी होती है उसको यहाँ पर समाप्त करते हैं अब हम आगे विशेषज्ञता की तरफ चलेंगे और अलग अलग कीड़े उनके समूह और उनके विभिन्न सिस्टम और पेस्ट इत्यादि के बारे में जानकारियाँ ग्रहण करेंगे धन्यवाद